फिल्म पे अपनी वीडियो बना के टिप्पणी देना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता ये है कि फिल्म बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है। हीरो अपनी पूरी जान फूंक देता है उस फिल्म को बनाने में, और हम वीडियो बना के उस चीज़ पे पानी या फिर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी राय है और इस वीडियो के माध्यम से हम सच्चाई बताना चाहते हैं, और जो उम्मीद है वो हम खेसारी लाल यादव से करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार का एक ट्रेलर रिलीज हुआ कुछ घंटे पहले। नाम है मेहंदी लगा के रखना 3। दोस्तों, बहुत लोग इस चीज़ से उम्मीद लगाए के बैठे थे कि मेहंदी लगा के रखना 3 एक बहुत प्यारी फिल्म होगी, ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद बहुत लोगों के मुंह से खेसारी लाल यादव के देख के खुशी खत्म हो गई। क्या है कारण, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप A1 बिहार पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और खेसारी लाल यादव को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन बहुत लोगों को ट्रेलर इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि खेसारी लाल यादव 10 फिल्मों से लगातार एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस ट्रेलर को भी देखने से पहले लोग समझ रहे थे कि फिल्म बहुत ही खूबसूरत होगी और पूरे बिहार के जनता को कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, वही जो हमेशा होता है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 पुराने कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। हम आपको बता दें, खेसारी लाल अपने पूरे फिल्म में एक ही काम करते हैं, पता है क्या। सबसे पहले तो उनका रहेगा कॉमेडी सीन, यानी कि घर के एक मतलब एकदम जैसे हम लोग हैं, एकदम मतलब कोई काम धंधा नहीं है, बस घर में घूमे फिरे, खाए पिए और कुछ कॉमेडी करते उनको दिखाया जाता है। सवेरे सवेरे कुछ सुने पाला गड़बड़ा लो, चुपचाप रहले तांगुरी कल जरूरी रहला। बीच फिल्म में उनको किसी से प्यार होता है तो फिर कमाल भाई। देखा पार्टनर, दरअसल उम्र में से। और लास्ट फिल्म में मार झगड़ा लड़ाई, परिवार का दबाव, लड़की का बाप गुंडा, और फिर उनसे उनकी शादी हो जाती है। नहीं थे इस सब के राधा वाला ही प्यार मिले, शायद हमरा भाग्य में मीरा वाला प्यार लिखल बा। ये फिल्म भी मेहंदी लगा के रखना 3 भी सेम, मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही है। कहानी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिल्म में कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और कोई सुपरस्टार ऐसा करता तो हमें उतना दुख नहीं होता कि अरे छोड़ो, बच्चा है, गलती तो कर सकता है। लेकिन खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और उनका दायित्व ये है कि हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नया दें, और खेसारी लाल यादव से कुछ नया की उम्मीद रखते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव इस बार तो उम्मीद पे पानी फेर ही दिए, मेरे भी और आपके भी। दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइएगा, कि आपको इसी तरीके का फिल्म देखना पसंद है कि जैसे खेसारी लाल यादव बनाते हैं, या फिर आप खेसारी लाल यादव से कुछ नया की उम्मीद रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए A1 बिहार।